मैं एमएम पटेल इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। टू कीप योर ब्रेन फिट एंड एक्टिव लॉजिकली सॉल्व वन पजल एवरी डे। तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल में आपको दिया गया है एक चित्र। पांच स्क्वायर आप देखते हैं, पांच वर्ग आप देखते हैं। वर्गों को बनाया गया है कुछ स्टिक से, कुछ बराबर समान छड़ियों से। और हम कितने स्क्वायर देखते हैं? पांच, पांच समान स्क्वायर, फाइव इक्वल स्क्वायर्स। करना क्या है? आपको इसमें से दो स्टिक रिपोजिशन करनी है, एक जगह से हटा करके दूसरी जगह पर रखनी है, और इस तरह रखनी है कि आपके पास सिर्फ चार इक्वल स्क्वायर्स रहे। तो बताइए आप दो स्टिक्स को किस तरह से रीअरेंज या रिपोजिशन करेंगे। आप कोशिश कर सकते हैं, सफल भी हो जाएंगे शायद, बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन हम डिस्कस कर लें कि इस तरह के पजल को सॉल्व करने के लिए हमारा लॉजिकल अप्रोच क्या होना चाहिए। इस तरह की पजल सॉल्व करने के लिए पहले हमें गिननी चाहिए कितनी स्टिक से ये फिगर बना है। स्टिक्स गिनने के बाद किस तरह से स्टिक से स्क्वायर बनाए गए और कितने स्क्वायर बने, इसका हमें अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद हमें कंपेयर करना चाहिए कि क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, और हमें क्या क्रिएट करना है, क्या बनाना है, क्या चेंजेस लाने हैं। ये तुलनात्मक अध्ययन से, इस कंपेरेटिव स्टडी से हमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मिलेंगे जिससे हम उत्तर की तरफ जा सकते हैं। अल्टरनेटिव निकालने के बाद उसमें से जो भी फिजिबल अल्टरनेटिव है उसे चुनना है। एक बार मैं रिपीट कर लूं कि स्टिक्स को हटा करके बाजू में नहीं रखना है, स्टिक्स को एक जगह से हटा करके दूसरी जगह पर रखना है, रिपोजिशन करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। पहला स्टेप, स्टिक्स को गिनना। कितनी स्टिक्स है? 16 स्टिक्स है। गिनी कैसे? हॉरिजेंटल 7 स्टिक है, वर्टिकल 9 स्टिक्स है, आड़ी 7 स्टिक, खड़ी 9 स्टिक। गिनने का भी सही तरीका हमने सीखना है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, गलती नहीं हो। 16 स्टिक से 5 स्क्वायर इसलिए बने कि कुछ स्क्वायर में स्टिक्स कॉमन है। 16 स्टिक से लॉजिकली 4 स्क्वायर बनने चाहिए, 5 क्यों बने? इसलिए कि कुछ साइड्स कॉमन है। यदि हमें 16 स्टिक से 4 इक्वल स्क्वायर्स बनाने हैं तो हमें इंडिपेंडेंट स्क्वायर्स बनाने पड़ेंगे, कॉमन साइड्स रिमूव करनी पड़ेगी। यदि हम कॉमन साइड्स को रिमूव करें तो हमें अल्टरनेटिव कुछ इस तरह से मिलेंगे। 4 पॉसिबिलिटी मैं दिखा रहा हूं, 4 अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज मैं दिखा रहा हूं। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। यदि आप इन चारों पॉसिबिलिटीज को ध्यान से देखें, चारों पॉसिबिलिटीज जिसमें कॉमन साइड्स नहीं है, यदि इन चारों पॉसिबिलिटीज को ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा कि लास्ट पॉसिबिलिटी फिजिबल है। किस तरह से फिजिबल है, चलिए देखते हैं। हमने 4 पॉसिबिलिटीज में से लास्ट पॉसिबिलिटी सेलेक्ट की है। 2 स्टिक्स को रिपोजिशन करते हैं। पहली स्टिक रिपोजिशन की, दूसरी स्टिक रिपोजिशन की, और हमने 4 इक्वल स्क्वायर बनाए। 16 स्टिक इस्तेमाल की, 2 स्टिक रिपोजिशन की। इस तरह की और पजल्स भी हम देखेंगे। हम चाहते हैं कि हम विश्लेषण करें, एनालिसिस करें और एनालिटिकल अप्रोच सीखें। 501 पजल की सीरीज में अगली पजल में फिर मिलते हैं। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।